हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की क्या एनर्जी है आपके पर्सन की आपके लिए, चलिए टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इस टाइम पर आपके पर्सन के लाइफ में, है ना, और क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। सारी चीज़ों को हम टैरो कार्ड से ही देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर लीजिएगा, ताकि किसी आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प जो है वो हो सके जब आप शेयर करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके रिलेशन तो होते हैं, प्रॉब्लम्स में तो होते हैं, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप उनको चैनल शेयर करोगे तो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में उनकी हेल्प भी हो जाएगी और वो ब्लेस आपको मिल जाएगा एंड उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इस टाइम पर करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की। एंड रीडिंग को पूरा देखिए, ताकि जो भी एंजल्स मैसेजेस होते हैं बीच बीच में, वो एंजल्स मैसेजेस आपको मिल जाए पूरी तरीके से, है ना। क्योंकि भाई मैं भी चाहती हूँ कि आपको ब्लेस हो। एंड लाइव सेशन मैंने कल ही किया है अपना, एंड बहुत जल्द मैं दोबारा से लाइव आऊँगी और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आऊँ और आप लोगों को जो है वो गाइड कर पाऊँ। एंड जो मेरा सेकेंड चैनल है SM टैरो कार्ड रीडिंग के नाम से, उसमें मैं कल ही आऊँगी वैसे तो, और नोटिफिकेशन भी मैं नोटिस भी डाल दूँगी आपको। आप लोग एक्टिव रहिएगा, मैं कल लाइव आऊँगी उस चैनल पर और इस चैनल पर भी आ सकती हूँ अगेन, क्योंकि जल्दी जल्दी लाइव आऊँगी ताकि आपके सवालों के जो जवाब हैं, आंसर हैं, वो मैं दे सकूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस टाइम पर क्या हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, उनकी क्या एनर्जीज है, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, है ना, तो देख लेते हैं। तो ईश्वर पर जो है विश्वास है आपको, और ईश्वर पर विश्वास बना के रखिए, पॉजिटिव रहिए। देख लेते हैं, ध्यान करें ईश्वर का, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर है, ईश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, सबसे बड़ा ऊपर वाला है, है ना, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। चलिए अभी देख लेते हैं क्या है एनर्जीज। और ये जो रीडिंग है इसे कोई भी देख सकता है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, बॉय है, गर्ल है, और आपका कोई भी रिलेशन है, ठीक है, मैरिड रिलेशन है, लव रिलेशन है, आपका लव लाइफ है, रिलेशनशिप कोई भी है आपका रिलेशन, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी लोग देख सकते हैं, किसी भी उम्र के लोग देख सकते हैं, एंड कोई भी और भी कोई रिलेशन है आपका तो देख सकते हैं, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग है। राशियाँ मैं बता दूंगी, नेम के जो लेटर हैं आपके पर्सन के नेम, आपका नेम, जो भी लेटर है, यहाँ तक कि मैं थर्ड पर्सन तक के लेटर का नाम आपको जो है वो लेटर बता दूंगी, मतलब। और काफ़ी जब मैं लेटर्स बताती हूँ ना, तो कमेंट्स आते हैं कि मैम आपने पूरा पूरा नेम बता दिया। तो मैं उस सभी लोगों से कहना चाहूँगी, नेम मैं इसलिए बता देती हूँ क्योंकि मुझे टैरो कार्ड में क्या होता है ना कि टैरो से कुछ भी नहीं छुपता, टैरो कार्ड से कुछ नहीं छुपता और मेरे से तो कुछ भी नहीं छुपता। मैं तो सब चीज़ें देख लेती हूँ, और इस टाइम आपको भी सारी चीज़ें, आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, क्या हो रहा है, करंट फीलिंग क्या है, करंट सिचुएशन, है ना, फिर नाम में क्या है, नाम भी देख लेती हूँ मैं और आपको बता भी देती हूँ क्या भाई क्या नाम हो सकता है, कौन सा लेटर हो सकता है, राशि कौन सी हो सकती है, ताकि आपको जो है वो कन्फ्यूज़न ना हो, आप अच्छे से समझ पाए, है ना। और पर्सनली गाइडेंस अगर आपको चाहिए है, कोई पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि भाई वो आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे या जो भी होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर जो है वीडियो पर भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा है, वहाँ से लेकर आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या देख रही हूँ इस टाइम पर, हंगामा देख रही हूँ मैं, हंगामा यहाँ पर, लड़ाई झगड़ा देख रही हूँ आपके और थर्ड पर्सन, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, बहुत ज़्यादा विकट का जो आर्ग्यू, लड़ाई झगड़ा होता है ना, वो मुझे टैरो कार्ड में नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज के हिसाब से आपके पर्सन जो हैं वो किसी बात पर थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत तेज़ी से जो है वो चिल्लाए हैं या गुस्सा हुए हैं, या बहुत ज़्यादा उन्होंने डांट दिया है, या फिर गुस्सा बहुत, क्योंकि एंग्री एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की, और वो एनर्जीज यहाँ पर ये बता रही है कि उनको थर्ड पर्सन के ऊपर किसी बात के ऊपर गुस्सा आ रहा है। ट्रस्ट की एनर्जीज आ रही है कि थर्ड पार्टी के ऊपर आपके पर्सन को ट्रस्ट खत्म हो गया है, थर्ड पर्सन के ऊपर आपके पर्सन को ट्रस्ट नहीं है। तो यहाँ पर एनर्जीज बहुत तरह की आ रही है, लेकिन मैं पहले राशि बताऊँगी, है ना, फिर मैं नेम्स के लेटर्स भी बताऊँगी, और उसके बाद मैं प्रॉपर तरीके से रीडिंग स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो सिस्टमाइज वजह से तरीके से करेंगे। तो मैं राशि बता देती हूँ, यहाँ पर मुझे तुला राशि, वृश्चिक राशि दिख रही है आपके पर्सन की, हो सकती है कि भाई तुला राशि हो, वृश्चिक राशि हो, ठीक है। एंड यहाँ पर जेमिनी और वृषभ राशि, मिथुन राशि यानी कि वृषभ राशि भी दिख रही है मुझे,
और यहाँ पर कन्या राशि मुझे बहुत तेजी से दिख रही है। कन्या राशि का पर्सन हो सकता है आपका, है ना, और कुंभ राशि हो सकती है, कैंसर राशि हो सकती है, कर्क राशि मतलब यहाँ पर हो सकती है। और जो एनर्जीज आ रही है वो सन साइन से आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे तो आप किसी भी साइन से देख सकते हैं, राशियाँ जो मुझे दिख रही है वो सन साइन से ज़्यादा, सूर्य राशि से ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो इन चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पर ज़्यादा नोटिस हो रही है। सो ये चीज़ें ना यहाँ पर मुझे ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर नजर आ रही है। तो अभी देखते हैं कि भाई हो क्या रहा, एक्चुअली क्या एनर्जीज आ रही है। एनर्जीज के हिसाब से पूरी तरीके से भाई आपके जो पर्सन है, कुछ एनर्जीज में उनसे एक भूल हो गई है कुछ लोगों में, क्योंकि सभी के साथ में, लेकिन कुछ लोगों में भूल हो गई है। आपके पर्सन थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए या थर्ड पर्सन की बातों में आ गए, दोनों चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू थी, पूरी तरीके से लॉयल एंड ट्रू। लेकिन ये जो भी एनर्जीज में चेंजेस, मतलब आप देख रहे हो इस पर्सन को, आप देखिए उसकी जो दिल की जो फीलिंग्स हैं, जो हालत है, जो एनर्जीज वो सेंड कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से आपको ही सेंड की जा रही है। ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। सो यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग इनकी फीलिंग्स जो है वो आपके लिए बहुत पूरी तरीके से, मतलब मुझे लॉयल, लविंग, केयरिंग फीलिंग्स दिख रही है। और आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा एक बार नहीं हजार बार कि ये जो भी बंदा है आपका, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए लॉयल है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बट आपने महसूस किया होगा सडन चेंज, सडन चेंज जिसको बोलते हैं ना, अचानक बदलाव, ये अचानक बदलाव इनके अंदर आ गया। वो भी क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो हो सकता है कि कोई ऐसा थर्ड पर्सन हो जो पूरी तरीके से इनको अपने, उसको पता है कि भाई इस इंसान को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ऐसी एनर्जीज में है ये। और एक बात ये भी है कि जो भी आपके पर्सन है थोड़ा सा इमोशनली भी है, कि जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी फीलिंग्स बता दी, किसी ने अपना दुख दर्द बता दिया, किसी ने अपनी समस्याएं बता दी, तो ये उसको ही पूरी तरीके से सपोर्ट करने लगेंगे। एनर्जीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये भी चीज़ आ रही है कि ये थोड़ा गुस्से वाले भी हैं। मतलब सडनली दो चीज़ें होती हैं ना हर किसी में, गुस्सा ही बहुत जल्दी आता है और वैसे इमोशनली बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये जो फीलिंग्स आ रही है उसके हिसाब से थर्ड पार्टी ने इनको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया, अपनी हर सिचुएशन में, अपनी हर बात में इनको समझा लिया, और पूरी तरीके से धीरे धीरे आपकी पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए। और यहाँ पर मुझे जो थर्ड पार्टी दिख रही है वो पूरी तरीके से एक क्लेवर पर्सन के रूप में मुझे नज़र आ रही है, जो कि क्लेवर इंसान होता है, क्लेवर पर्सन होता है, जो अपनी बातों को बहुत ही बहुत उस तरीके से आपके पर्सन के सामने लेकर आया जिससे आपके पर्सन जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते ही चले गए। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ भूल, कुछ गलतियाँ भी हुई हैं आपके पर्सन से, जो उन्होंने थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन को रख लिया। तो एनर्जीज के हिसाब से मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ, यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन जो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी में चले गए, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव है आप दोनों के रिलेशन में। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ फीलिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन की कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, आपके लिए लॉयल होना चाहते हैं, उनको आपके पर्सन को जो उनकी कार्ड्स को देख कर लग रहा है, शो हो रहा है कि उनको कहीं ना कहीं दिल में ये फीलिंग्स आ रही है कि ये गलत है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि उनके दिल में आ रही है कि ये जो थर्ड पर्सन से रिलेशन है वो गलत है, वो हमें नहीं रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर, इतना ज़्यादा क्लेवर इंसान है कि वो ज़बरदस्ती से, एक होता है ना कि हम अपनी इच्छा से किसी के पास जा रहे हैं, होता है ना, एक होता है कि ज़बरदस्ती से कोई इंसान हमें ज़बरदस्ती से पुश कर रहा है कि अपनी तरफ खींचने वाला। तो यहाँ पर एवरी टाइम प्रेजेंटेशन की एनर्जीज आ रही है कि थर्ड पर्सन ने कुछ लायबिलिटी, कुछ जिम्मेदारियाँ भी आपके पर्सन के ऊपर डाल दी हैं, लेकिन अब आपके पर्सन जो है वो इन चीज़ों से परेशान हो गए हैं। ये बंदा जो भी है यहाँ पर मुझे दिख रहा है एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की, मैं लेटर्स भी बता देती हूँ, नाम भी बता देती हूँ, मतलब नेम के जो लेटर्स हैं आप देख लेना कि मैच कर रहे हैं आपसे वो नेम्स की नहीं। तो मैंने यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा फर्स्ट लेटर मुझे जो दिखाई दे रहा है बहुत ही तेज़ी से हाईलाइट हो रहा है, आर दिख रहा है, आर आर से आपके पर्सन, हो सकता है कि उनके पूरे नाम में कहीं आर आ रहा हो, एस आ रहा हो, टी आ रहा हो, सी आ रहा हो, या सी से स्टार्टिंग हो, बीच में कहीं सी आ रहा हो, ए तो मुझे दिख रहा है, ए के साथ एम मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन के जो नाम है ना उसके जो लेटर्स आ रहे हैं वो लेटर्स से आप देखना क्या आपके पर्सन के बीच में ये लेटर्स आ रहे हैं। डबल ए भी हो सकता है किसी के नेम में, डबल ए, ठीक है, क्योंकि एक ए नहीं मुझे दो दो ए दिख रहे हैं, दो दो एस भी दिख रहे हैं, और
यहां पर पी हो सकता है, पी से स्टार्ट हो या एन हो, ठीक है। एंड ओ लेटर आ रहा है मुझे, ओ लेटर। अब ओ जो लेटर है वो मुझे पी के साथ और एन के साथ ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, एस के साथ बहुत हाईलाइट हो रहा है, कि हो सकता है कि ओ के साथ एस या पी आर हो या ए हो, ठीक है। बी मुझे हाईलाइट हो रहा है, तो यही लेटर्स मुझे यहाँ पर ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं। अब आपके पर्सन के नाम का लेटर इसमें हो सकता है, लेकिन देखो यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ डियर गाइज आपसे, कि आपके पर्सन पूरी तरीके से यहाँ पर उनको फंसाया गया है, ऐसी एनर्जी आ रही है। थर्ड पार्टी ने उनको पूरी तरीके से अपने फीलिंग्स में फंसाना होता है ना, जबरदस्ती से अपनी तरफ खींचना, वो वाली एनर्जीज में है। आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि जैसे उनका दिमाग, उनका माइंड, उनका जो ऑरा है वो पूरी तरीके से थर्ड पर्सन ने ब्रेन वॉश कहते हैं ना, मतलब पूरी तरीके से पलट दिया है। ये जो भी बंदा है इसकी फीलिंग्स आपके लिए लविंग है, मैंने इनका कार्ड्स देख लिया है। आज की जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर ये जो भी पर्सन है आपके और ये अगर थर्ड पर्सन में गए हैं, अब ये थर्ड पर्सन चाहे दुनिया का कोई भी शख्स क्यों ना हो, लेकिन ये लौटना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत दिन टाइम हो गया है कि थर्ड पर्सन में है, लेकिन फीलिंग्स के एनर्जीज के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ में नुकसान बहुत हुए हैं, और ये नुकसान इनकी लाइफ में इतने ज़्यादा डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये उस शख्स से, जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो, ऑफिस का कोई कलीग हो, चाइल्डहुड फ्रेंड हो, कोई फैमिली मेम्बर्स हो या कोई फ्रेंड सर्कल में हो, लेकिन इन्होंने उस थर्ड पर्सन से बातें भी बहुत की हैं, ये भी मैं बता दूँ, उसके साथ इनका रिलेशन भी बहुत रहा है, ये भी बता दूँ, इन्होंने आपके साथ बहुत डिस्टर्ब किया रिलेशन, ये भी मुझे दिख रहा है। इन्होंने उस थर्ड पार्टी के साथ, आप थर्ड पार्टी के लिए आपके साथ बहुत बहुत एक दिल दुखाने वाला व्यवहार होता है ना, दिल से हम किसी को दिल से दुखा देते हैं, दिल दुखा देते हैं, क्योंकि इनका इनकी जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से आज ये थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग नहीं चाहते हैं उसका रिलेशन, पूरी तरीके से उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से भुला देना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एनर्जीज के अकॉर्डिंग आज इनकी थर्ड पर्सन से ही लड़ाई होती है बहुत ज़्यादा, और एनर्जीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा करंट फीलिंग में दिख रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं दोनों के बीच में, इतनी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हो रही हैं। मैं तो यहाँ पर ये भी एनर्जीज को देख रही हूँ कि सिचुएशन जो है वो हो सकता है कि समाज के सामने भी जो है वो हो रही हो, या समाज के सामने, दुनिया के सामने भी नज़र आने लगी होगी, क्योंकि एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो थर्ड आपके जो पर्सन है इनकी फीलिंग्स में हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब देखो यहाँ पर इनकी हेल्थ तो डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि ये थर्ड पर्सन में गए, बट यहाँ पर मुझे आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी हेल्थ इशू दिख रहा है डियर गाइस, क्योंकि आप इनको अभी भी मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप इनको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हो, इनकी दिल आपके दिल में इनके लिए बहुत ज़बरदस्त फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है, कि आप बहुत चाहते हो कि ये आपकी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें प्रॉपर से नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें प्रॉपर से इसलिए नहीं हो पा रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है वो इनको आपकी तरफ आने से रोक रही है। एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इन कार्ड्स में, कुछ कार्ड्स और लेना चाहती हूँ, और मैं यही कार्ड्स ले रही थी बट मैंने वापस से रख दिया, क्योंकि मैं रीडिंग में ना पूरी तरीके से खो जाती हूँ, मतलब ऐसे खो जाती हूँ ना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है डियर गाइस, मुझे सब कुछ दिख रहा है, आपकी जो पिक्चर्स है ना वो मेरे आंखों के सामने आ रही कि क्या क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो थर्ड पार्टी दिख रही है ना ये रोक रही है इनको रोक रही है। किस वजह से रोक रही है? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी जानती है कि इनका आपके साथ रिलेशन है, थर्ड पार्टी जानती है कि इनकी जिम्मेदारी आप हो, ठीक है, थर्ड पार्टी जानती है कि
ये जो भी आपके पर्सन हैं इनके पूरी जिम्मेदारी आप हो, और कहीं ना कहीं ये आपके पास आना चाहते हैं, ये भी थर्ड पार्टी जानती है। तो इसी बात को लेकर आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से रूड होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका क्या हो रहा है कि आपके पर्सन का अब इंटरेस्ट है नहीं। यहाँ पर जो देख रहे हो आप, गिल्ट आ रहा है, गिल्ट भाई इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आपके पर्सन को ये चीज़ मतलब लग रही है कि मैंने किसी तीसरे इंसान के पीछे अपने उस इंसान का दिल दुखाया जो कि मतलब जिसका दिल हमें नहीं दुखाना चाहिए। देखो सही और गलत इन चीज़ों का हर किसी को एहसास होता है। कुछ लोगों में ये एहसास थोड़ा टाइम के बाद होता है, लेकिन कुछ लोगों में जल्दी हो जाता है ना, लेकिन एहसास तो होता है। तो यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि आपकी जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मतलब जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ उनको लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। अभी क्या हो रहा है कि ये आपके पास आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी आपके पास नहीं आने देती है। दूसरी चीज़ बहुत रोका टोकी करती है, बहुत रोका टोकी करती है, इनकी लाइफ में इतना ज़बरदस्त इनको रोकती रहती है हर चीज़ के लिए, लाइफ में जीने नहीं देती है, खुशियाँ खुश होते हैं तो खुश नहीं होते, मतलब आर्ग्यू लड़ाइयाँ होती रहती हैं, अपने मन की करती है थर्ड पार्टी। इनको जो चीज़ पसंद नहीं होती है वही काम करती है थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर ये चीज़ों की वजह से उन दोनों के बीच में आपस में बन नहीं रही है, आपस में रिश्ता बन नहीं रहा है दोनों का। तो अब ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, और अब ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी में शांति हो, मैं शांति हो, कि यहाँ पर इनको दुख लग रहा है, इनको बुरा लग रहा है कि एक अच्छे इंसान के साथ तो मैंने ऐसा बिहेवियर किया और ये जो थर्ड पार्टी है इसके साथ में आ गया, और अब ये आ गया या आ गई जो भी है आपके, और मतलब ये चीज़ें अब जो है वो और डिस्टर्ब इनके रिलेशन को कर रही है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी से बाहर आना चाह रहे हैं पूरी तरीके से, इनके और आपके पर्सन के बीच में, मतलब थर्ड पार्टी के और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और वो लड़ाई ज़्यादातर सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं, और जो थर्ड पार्टी है वो इस चीज़ को समझ रही है कि ये इंसान लंबे समय तक अब मेरे साथ नहीं रहेगा, और यही बात को लेकर उन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई झगड़ा, जबरदस्त आर्ग्यू, जबरदस्त एक दूसरे को ब्लेम करना, क्योंकि जब जब हमारी बनती नहीं है किसी के साथ, जब किसी की किसी के साथ मतलब नहीं बनती है, तो वो छोटी छोटी बातों में भी ना बुराइयाँ निकालना शुरू कर देता है। जैसे कि पहले आपके साथ भी यही हुआ जब आपके पर्सन आपके साथ थे, क्योंकि अभी जो गिल्ट आ रहा है ना आप यहाँ पर देख रहे हो इस कार्ड में, गिल्ट की एनर्जीज देख रहे हो। अभी ये गिल्ट क्यों आ रहा है? गिल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ किया है इन्होंने थर्ड पार्टी को लेकर बहुत। अच्छा दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, कुछ लोगों में आपके पर्सन ने आपके साथ इतना ज़बरदस्त इस थर्ड पर्सन के लिए लड़ाई झगड़ा, या इस थर्ड पर्सन के लिए ज़बरदस्त इतना ज़्यादा आपको ब्लेम किया या आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि अब उनको पछतावा सा हो रहा है, कि मतलब दुखी हो रहे हैं कि आपको आपके साथ इतना बुरा व्यवहार उन्होंने क्यों किया। थर्ड पर्सन के लिए इन्होंने आपको आपका हाथ पकड़ा और बीच में आपका हाथ छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारी इनकी जो थी वो उन्होंने नहीं निभाई। मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब आपकी पूरी पिक्चर्स मेरे पास क्लियर है, और कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आती है कि मतलब कैसे कोई किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। तो अभी एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दिख रही है, कुछ लोग मैं आप लोगों की कुछ पर्सन उनकी फीलिंग्स क्या है वो सब समझ रहे हैं। आप जैसे उनको रोक रहे हो कि थर्ड पार्टी को छोड़ दो, वो सब समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो समझ नहीं रहे। थर्ड पार्टी के साथ जो उन्होंने ज़बरदस्त कमिटमेंट कर दिया या जो चीज़ें उनके साथ हो गई, वो चीज़ों के वजह से आपके जो पर्सन है वो एक फियर सा महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी से। अब उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये थर्ड पर्सन, और करती भी यही करता भी यही है थर्ड पार्टी जो भी है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ब्लेम करना, कुछ लड़ाई झगड़ा करना या कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाना जिससे कि आपके पर्सन को फियर लग रहा है कि भाई मैं अगर इस इंसान के पास से गया या गई या इसकी बातों को नहीं माना तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे ज़बरदस्त लड़ाई झगड़े या ब्लेम करे, लाइक दैट। बहुत सारी चीज़ें एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही, तो एक फियर भी है। तो एक तो अंदर से जानते हैं, अंदर से गिल्ट हो रहा है आपके पर्सन को कि भाई हमें जो है वो अपनी गलती को मानना चाहिए, सुधारना चाहिए, और जो मेरा क्योंकि यहाँ पर ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ हस्बैंड वाइफ की हो सकती है, लव रिलेशनशिप की हो सकती है, और कोई भी रिलेशन हो सकता है, मतलब जिनके भी बीच में थर्ड पार्टी है वो देख सकते हैं, कोई भी उम्र के वर्ग के
मेल फीमेल बॉय गर्ल कोई भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन के पास गया है आपका पर्सन, चाहे वो गर्ल हो गर्ल हो बॉय हो कोई भी हो, लेकिन इनकी जो एनर्जी जा रही है वो एक डर नहीं होता है कि मतलब डर, हम जानते सब कुछ हैं, समझते सब कुछ हैं, पर गलत कभी कहते ना कि कभी भी किसी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना चाहिए लाइफ में, डिसीजन हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए। अब रॉन्ग डिसीजन लोगे तो रॉन्ग ही वो होगा, है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स इस टाइम पर लड़ाई झगड़े वाली आ रही है उनके साथ की। अब जैसे वो भी गुस्से में बैठे हुए हैं कि मैं तो अब इस थर्ड पर्सन के साथ लड़ लूँगा, अब लड़ लूँगा झगड़ लूँगा लड़ लूँगी झगड़ लूँगी, लेकिन मैं जाऊँ करूँगी वही जो मेरी मर्जी है। तो यहाँ पर डर है, फियर है, गिल्ट है, दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं। गिल्ट होता है तब उनके अंदर में एक साहस आता है, नहीं मैंने जो जिसके साथ किया, मैंने अपना पर्सन का दिल दुखाया, तो अब मुझे जाके उससे सॉरी बोलना है, मुझे उसका साथ देना है और मुझे उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करना है। ये है उनकी फीलिंग्स। अकेले में बैठकर दुखी होते हैं, रोते भी हैं और कहीं ना कहीं उनको बुरा भी लगता है, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो जो एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो एक फियर भी उनको जो है महसूस करा रही है, उनको बता रही है कि नहीं तो मेरे हिसाब से चलो। तो एनर्जीज काफ़ी तरह की यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। तो अभी मैं एक मैसेज लेना चाहती हूँ, आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस हैं, अगर उनकी तरफ से आपको रूड हुआ है, उन्होंने आपको रूडली बिहेवियर किया है या कुछ भी ऐसी एनर्जीज की आप मिल नहीं पा रहे हो या कुछ रिश्ता आपका उनका इस टाइम पर ब्लॉक है, क्योंकि एनर्जीज तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की ही दिख रही हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि मतलब बहुत मेंटली स्ट्रेस है, बहुत मेंटली स्ट्रेस, और यहाँ पर मुझे क्राउन चक्र इफेक्टेड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, चाहे आप में हो चाहे आपके पर्सन में हो, और काफ़ी दिन हो गए हैं इनको गए हुए, तो अब इनका वापस आना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ अब रह नहीं पा रहे, लॉन्ग टाइम हो गया है रिश्ते से गए हुए, तो शादी भी करना चाहते हैं। अगर शादी के लिए आप देख रहे हो और अगर ऑलरेडी शादीशुदा है तो भी ये अपनी लायबिलिटी निभाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर लव रिलेशनशिप है आपका, ना मैरिज वाली कोई बात, हो सकता है अलग अलग जगह पर मैरिड हो, तो अभी ये कहीं ना कहीं आपको ही पाना चाहते हैं, बहुत दिन हो गए दूर हो रह लिए, अब नहीं रहना चाहते हैं, आपके साथ ही जो है वो फ्यूचर देखते हैं, एंड कोई कमिटमेंट की नजीज आ रही है, जैसे कि कोई कमिटमेंट भी आपको इनकी तरफ से मिलने वाला है। तो अभी देख लेते हैं कि कोई मैसेज इनका कोई मैसेज निकलता है क्या आपके लिए, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग कोई मैसेज है जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। मैं मैसेज निकाल लेती हूँ, मैं थोड़ा सा सफल कर लूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तो ताकि मैं वही मैसेज मेरे हाथ में आए जो मैसेज वो आपसे कहना चाहते हैं, है ना। लीजिए आ गया मैसेज, जब अपने आप आता है ना तो मुझे ज़्यादा तसल्ली होती है। ओके पहले मैं खुद रीड कर लूँ। फीलिंग्स होती है ना तब ऐसे ही मैसेजेस आते हैं, मैं आपको बोल देती हूँ, ठीक है। सो मैसेज है उनका आपके लिए कि आई डू नथिंग बट रिमेंबर एंड मिस द टाइम वी स्पेंड टुगेदर। देखो हर किसी को अच्छी बातें, हर किसी को अच्छी चीज़ समझ में आती है, आपके साथ जो उन्होंने समय स्पेंड किया था, जो समय देखा था आपके साथ, जो गोल्डन मेमोरीज हैं आपकी, या फिर जो उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार भी किया है, कुछ छड़े से भी हैं, जो टोटली मतलब आपको अपनी ज़िंदगी से ऐसे अलग कर दिया जैसे कि ना तो वो आपको जानते हैं ना आप उनके जीवन का कोई हिस्सा हो, ऐसी एनर्जीज है ना। तो ऐसी जब एनर्जीज होती हैं तब इंसान को गिल्ट भी होता है और परेशान भी होता है, दुखी भी होता है, सैड भी होता है और मिस भी करता है वो टाइम जो साथ में आपने उन्होंने बिताया था, खुशी के वो पल, वो आज याद कर करके आपका पर्सन जो है मेंटली स्ट्रेस लेता रहता है एंड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से छुटकारा चाहता है। मैं तो यहाँ पर यही देख रही हूँ। तो आई होप सो कनेक्ट की होगी। लाइक शेयर कमेंट्स कर लेना, पर्सनली कोई भी गाइडेंस चाहिए है मुझसे बात कर लेना। पर्सनल रीडिंग मेरी पेड जरूर होती है लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस रीडिंग में, पूरी तरीके से आपकी सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊँगी। टेक केयर, बाय बाय।